बात करते हैं जिस तरीके से आज वोटिंग हो रही है पश्चिम बंगाल में, चूंकि आज छठे और आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और आज शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जाएगी। और आपको बता दें 6,774 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 58 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अंतिम चरण के चुनाव के लिए 18 महिलाओं समेत कुल 170 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो मतदान को निष्पक्ष शांतिपूर्ण कराने के लिए केंद्रीय बलों की 361 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिन्हें राज्य पुलिस बल के 12,000 जवानों की मदद मिल रही है। कुल मतदाताओं में 27 लाख महिलाएं हैं। आजादी के बाद ये पहली बार है जब कुछ बिहार जिले में सीमावर्ती बस्तियों के निवासी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा पिछले साल इन बस्तियों के भारतीय क्षेत्र में विलय के बाद संभव हो पाया है। आज का मतदान इसलिए अहम है क्योंकि पूर्वी मिदनापुर की सभी 16 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस ने इस बार तामलुक के सांसद सुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से मैदान में उतारा है। उन्हें कांग्रेस वाम गठबंधन के सहयोग से टिकट मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि खासतौर पर अगर हम आखिरी चरण की बात करें तो महिला उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो पूर्वी मिदनापुर जो सेंसिटिव है, वहां पे भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। गीतिका है तमाम जानकारियां देने के लिए। गीतिका, मुझे ये बताइए कि कहीं ना कहीं सेंसिटिव है क्योंकि पूर्वी मिदनापुर है और वहां पर भी एक चैलेंज होता है चुनावों को संपन्न करा पाना, लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह से महिला कैंडिडेट आखिरी चुनावों में, आखिरी चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा है, इनको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? जी श्वेता, मैं आपको बता दूं कि आज अंतिम चरण में कुल 2 जिलों के कुल 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, जिनमें 9 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो कूचबिहार में पड़ते हैं, वहीं 16 पूर्वी मिदनापुर में हैं। अगर हम कूचबिहार की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि पहली बार वोटिंग के लिए आए हैं उम्मीदवार, क्योंकि वो पहली बार भारत के लोकसभा चुनाव में वो वोट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो मिदनापुर के हैं, पूर्वी मिदनापुर के, जो कि नंदीग्राम जैसे क्षेत्र हुआ वो बहुत सेंसिटिव माना जाता है। और इस बार नंदीग्राम के लिए जो इलेक्शन हो रहा है, जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वो हमेशा से तृणमूल कांग्रेस के अधिकार में रहा है, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस के सुवेंदु अधिकारी का मुकाबला माकपा कांग्रेस और वामपंथ के गठबंधन वाले अब्दुल काशिर से है, जो कि एक उम्मीदवार स्ट्रांग कंटेस्टेंट माने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार नंदीग्राम का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और नंदीग्राम हमेशा से एक सेंसिटिव जोन भी रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो इस इलेक्शन, इस फेस की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जितने भी उम्मीदवार हैं इस बार इलेक्शन में, उनमें से 15 उम्मीदवार करोड़पति हैं, करोड़पति उम्मीदवार इस बार इलेक्शन में हैं। वहीं 33 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अगर पार्टी वाइज हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज उम्मीदवारों की संख्या तृणमूल के पास है, और सबसे ज़्यादा करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या जो कि 3 है, वो भी तृणमूल के पार्टी के पास है। तो कहीं ना कहीं ये इस फेस के, अगर चुनाव की बात करें तो ये इस फेस के चुनाव की ये USP है कि सबसे ज़्यादा करोड़पति उम्मीदवार हैं और सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज वाले उम्मीदवार भी हैं। और जहाँ तक आपने सेंसिटिव एरियाज की बात की, कूचबिहार में उतने सेंसिटिव नहीं है, और अगर हम पूर्वी मिदनापुर की बात करें, नंदीग्राम को छोड़कर हर जगह शांतिपूर्ण चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। और अगर अब तक हम देखें तो अब तक जितने भी 5 फेज हुए हैं, ये आखिरी फेज है, हर जगह पूरे बंगाल में बंपर वोटिंग हुई है और छुटपुट हिंसाएं तो हर जगह होती हैं, तो भाई इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि अंतिम फेज में भी बंपर वोटिंग होगी इस बार। बिल्कुल, ये एक तरीके से इस बार देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से लोग आगे आ रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाकई वो अगर हम इससे पहले के ग्राफ को देखें तो कहीं बहुत ज्यादा बेहतर इस बार होता हुआ नजर आ रहा है। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि पश्चिम बंगाल के जब शुरुआती दौर में जब वोटिंग हुई थी, जब स्टार्टिंग के जो फेज थे उसमें अगर हम खास तौर पे बात करें तो हिंसा हुई थी और एक चैलेंज बन गया था, जिसके बाद पुलिस फोर्स को भी आगे बढ़ाया गया था फोर्थ फेज के इलेक्शन के लिए भी। लेकिन जिस तरह से आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, और गीतिका बता रही है कि कुछ क्षेत्र हैं जो सेंसिटिव हैं, इनको लेकर खासा ध्यान भी रखा जा रहा है।